एक शेयर जो इस साल अब तक 36% और पिछले 12 महीनों में 93% का रिटर्न दे चुका है, क्या उसके शेयर में और तेजी आ सकती है? हम आज बात अडानी पोर्ट्स के शेयर के बारे में कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि तेजी आ सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम आपको बताएंगे कि मार्केट के एक्सपर्ट इस बारे में क्या सोचते हैं। 14 जून को अडानी पोर्ट्स के शेयर करीब 1.80% की तेजी के साथ 1429.70 पर बंद हुए। इस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अडानी पोर्ट्स के शेयर साल में अब तक 36% और पिछले एक साल में करीब 93% का रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रोकरेज फर्म को अभी भी इसमें तेजी की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अडानी पोर्ट्स के शेयर को बाय रेटिंग दी है। इतना ही नहीं, अडानी पोर्ट्स के शेयर का टारगेट प्राइस भी पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले जहां अडानी पोर्ट्स के शेयरों का टारगेट प्राइस ₹1550 था, तो वहीं अब ये बढ़कर ₹1650 हो गया है। कोटक ने कहा कि साल की शुरुआत में कमजोर रहने के बावजूद इस शेयर ने 2024 में अब तक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। कंपनी को उम्मीद है कि मार्जिन में बढ़ोतरी के साथ ये लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करना जारी रहेगा। अडानी पोर्ट्स के वॉल्यूम्स में अप्रैल मई 2024 के दौरान सालाना आधार पर 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान भारतीय बाजार की ग्रोथ 5% से कम रही थी। कोटक ने मुंद्रा पोर्ट्स के मैनेजमेंट और एपिसेच के अन्य प्रमुख बंदरगाहों के मास्टर प्लान के आकलन के आधार पर कहा कि कंपनी के पास समय के साथ अपनी मौजूदा क्षमता को 5 से 6 गुना तक बढ़ाने की संभावना है। इससे अडानी पोर्ट्स को बड़ा फायदा होगा क्योंकि इसकी क्षमता विस्तार की लागत इसके राइवल कंपनियों की तुलना में कम होगी। कोटक ने यह भी कहा है कि अडानी पोर्ट्स के पास अपनी मौजूदा कैपेसिटी को 5 से 6 गुना ज्यादा तक बढ़ाने की क्षमता है, जबकि इसकी प्रमुख राइवल कंपनियों को मौजूदा कैपेसिटी को 2 गुना से ज्यादा बढ़ाने के लिए ज्यादा पूंजी लागत और एसेट्स जोड़ने पड़ेंगे। पिछले एक दशक में अडानी पोर्ट्स ने कई प्राइवेट कंपनियों से उनके ज्यादातर गैर प्रमुख बंदरगाहों को अधिग्रहण किया है। जहां क्षमता विस्तार हो सकता है, इसने उन पोर्ट्स के मौजूदा क्षमता को देखते हुए काफी वाजिब वैल्यूएशन पर ये अधिग्रहण किए हैं। ब्रोकरेज ने कहा, अडानी पोर्ट्स ने ज्यादातर मौजूदा गैर प्रमुख बंदरगाहों को काफी रियायत दरों पर खरीदा है। इन जगहों पर क्षमता विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। हम अनुमानों को 5% बढ़ाते हैं और शेयर के लिए टारगेट प्राइस को ₹1550 से बढ़ाकर ₹1650 करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।